तो आपकी हैंड रिटन बुकलेट के अंदर सबसे पहले ये स्टार्ट है एक टॉपिक के साथ, नॉर्मल एंड लेटरल शिफ्ट हमने कर लिया, लिख दिया मैंने थ्योरी टू बी कवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी बुकलेट, टीआईआर लिख लिया, टीआईआर थ्योरी हो गई हमारी। फिर न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं एनसीईआरटी के, तो क्वेश्चन है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस गिवन, म्यू गिवन, लेटरल शिफ्ट निकाल दो। हमने लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला किया हुआ है, थिकनेस वो आपको दे रहा है, आपको इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दे रहा है, म्यू भी दे रहा है, थिकनेस भी दे रहा है, आपको आर नहीं पता। तो सबसे पहले म्यू इज साइन आई बाई साइन आर से क्या निकलेगा, आर निकलेगा। उस आर की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, आई गिवन है, टी गिवन है, और यहां से लेटरल शिफ्ट कैन बी कैलकुलेटेड। एंगल की प्रॉब्लम है, एंगल्स अगर ऐसे गिवन होंगे तो आपको वैल्यूज गिवन होंगी, नहीं तो नॉर्मली ऐसे एंगल आते नहीं है, मेथड वही रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपको वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर, तो पानी में ट्रेवल कर रही है, इंसिडेंट ऑन वाटर ग्लास इंटरफेस एट 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर निकालना है। तो स्नेल लॉ लगा लें, म्यू वाटर इंटू साइन आई, म्यू ग्लास इंटू साइन आर, तो लगा लेंगे ना, तो म्यू वाटर पता है, म्यू ग्लास पता है, साइन आई पता है, यहाँ से साइन आर आ गया, यहाँ से आर कैन बी कैलकुलेटेड, एंगल निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो ऐसे छोड़ दो। तो ये भी स्नेल लॉ की एप्लीकेशन है। जैसे नेक्स्ट है, एक पिन है इज फिक्स्ड ऑन द टेबल टॉप इज व्यूड फ्रॉम अबव फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, टेबल के ऊपर पिन है 50 सेंटीमीटर रियल डेप्थ है। आगे बाय व्हाट डिस्टेंस वुड अ पिन अपीयर टू बी रेज्ड, वो कितना ऊपर नजर आएगा मुझे रेज होके फ्रॉम द सेम पॉइंट, जिसमें ये 5 नहीं 15 करो, ग्लास स्लैब की थिकनेस 15 सेंटीमीटर थिक है, करेक्शन करो 15 सेंटीमीटर थिक है। अब कौन सी शिफ्ट है, नॉर्मल शिफ्ट है, तो वो पॉइंट पिन हमें कितना ऊपर नजर आएगा, इतना ऊपर, टी मुझे पता है, म्यू मुझे पता है, 5 सेंटीमीटर ऊपर, तो पहले कितने सेंटीमीटर नजर आ रहा था 50, 5 सेंटीमीटर ऊपर का मतलब अब कितने सेंटीमीटर पे नजर आएगा 45, तो 45 इज द आंसर। फिर वो ये पूछ रहा है क्या लोकेशन ऑफ स्लैब मैटर करती है, लोकेशन ऑफ स्लैब जहां मर्जी रख लो आंसर विल रिमेन सेम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास के अंदर गिवन है और एयर के अंदर भी गिवन है, तो साफ पता लग रहा है ये म्यू निकलवाएगा आपसे, म्यू आ गया सी बाई वी, बाय हाउ मच अमाउंट अ डॉट अपीयर्स टू बी रेज व्हेन कवर्ड बाय ग्लास प्लेट 6 सेंटीमीटर थिक, फिर से नॉर्मल शिफ्ट है, तो नॉर्मल शिफ्ट में आपको टी पता है, म्यू आपने निकाल लिया, नॉर्मल शिफ्ट आंसर 2 सेंटीमीटर ऊपर। नेक्स्ट है वॉट इज एपरेंट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ग्लास स्लैब, फिर 6 सेंटीमीटर थिक है, लेकिन इस बार इसमें वाटर भी है, तो इसमें ग्लास है और वाटर है, थिकनेस दोनों की गिवन है, तो ये ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर ऊपर नजर आएगा, हमने किया था, आप वाटर की नॉर्मल शिफ्ट अलग निकालेंगे और ग्लास की अलग निकाल लेंगे, तो ग्लास और वाटर की अलग निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आएगा 3 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल डेप्थ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ऊपर नजर आ रहा है, तो अब फाइनल कितने सेंटीमीटर नजर आएगा, 7 पे नजर आएगा, किया हुआ अपने क्वेश्चन ऐसे किया था। नेक्स्ट है ग्लास स्लैब इज इमर्ज्ड इन वाटर, ग्लास को वाटर में डाल दिया, फाइंड क्रिटिकल एंगल, अब मुझे ये पता है कि नॉर्मली मुझे याद होता है पानी और वाटर का क्वेश्चन होता है, इसमें ग्लास और वाटर का क्वेश्चन है, तो पहले याद रखना साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1/μ, और म्यू में याद रखना ये डेंसर और ये रेयरर, कौन डेंसर है इसमें, इनकी वैल्यूज चेक करो, 1.5 बड़ा है 1.33, तो ग्लास इसमें डेंसर है, तो नीचे क्या आएगा ग्लास, ऊपर क्या आएगा वाटर। अब इसकी वैल्यू आपको अलग से निकालनी पड़ेगी, कैसे, ग्लास ऊपर वाटर नीचे, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो ये टर्म को यहां पुट करेंगे 1.122, यहां से क्रिटिकल एंगल कैन बी कैलकुलेटेड, समझ में आ रहा है कैसे करना है इसमें। ये क्वेश्चन ऐसा हमने किया कि लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है पोर्ड इन टू अ सिलेंड्रिकल जार ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर अप टू हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, बड़ा जार है 20x20 का, स्मॉल बल्ब को नीचे जला दिया, फाइंड एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस थ्रू विच द लाइट बल्ब पासेज इनटू द एयर, तो सारे सिलेंडर में तो निकलेगी नहीं लाइट, कुछ में से निकलेगी उसका एरिया बताना है, इसमें आपको आर चाहिए, डायग्राम ऐसा बनेगा, क्रिटिकल एंगल के बाद तो लाइट नीचे आ जाएगी, तो हमने क्रिटिकल तक सॉल्व करना है, अपने को ये एरिया निकालना है, इस क्वेश्चन में हाइट गिवन है 20, तो क्रिटिकल एंगल निकाल लेना, साइन सी 1/μ से सी आ गया, सी आ गया,
यहां से टेन सी क्या है, आर अपॉन एच, आपके पास सी की वैल्यू आ गई, तो यहां से सोचो आर भी आ गया, आर आ गया तो पाई आर स्क्वायर से लाइट का क्या आ गया, एरिया भी आ गया। सेम क्वेश्चन जो आज हमने किया था, उसमें हाइट निकालनी थी, आर गिवन है, इसमें हाइट गिवन है और आर निकालना है। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है इसका? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर लाइट इसके बाहर तो जाएगी नहीं, तो आप सी निकाल लेना, टेन साइन ऑफ सी इज वन बाई म्यू से सी आएगा, सी आ गया तो टेन सी आएगा, टेन सी इज आर बाई एच से आर आ जाएगा।